यह मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है, ये सरकार लोगों की सरकार है और इसलिए लोगों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। उनको पूरी ज्ञान को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी हमारी पुलिस है और ऐसी हमारी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के दो लड़कों का जो कनेक्शन सामने आया है उससे तो ये जाहिर हो चुका है कि हरियाणा, पंजाब और मुंबई ही नहीं बल्कि चंपारण में भी कुख्यात बिश्नोई गैंग अपना पैर पसार चुका है। लेकिन अगर आप बीते कुछ सालों में चंपारण में ही घटित ऐसे मामलों पर नजर डालेंगे तो फिर जानकर चौंक उठेंगे कि मामला सिर्फ पकड़ बनाने का ही नहीं बल्कि गुर्गों को स्लीपर सेल्स की तरह इस्तेमाल कर यूथ को अपने गिरफ्त में लेने का भी है। जिस तरह से बिश्नोई गैंग का क्राइम ग्राफ ऊपर जा रहा है वो लो एंड ऑर्डर के लिए चिंता का विषय है। चंपारण में बिश्नोई गैंग के एक्टिव होने का मामला सिर्फ बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग से ही नहीं जुड़ा है बल्कि बीते सालों में एक्सटार्शन, फिरौती और आर्म्स डीलिंग के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें इस गैंग के शामिल होने की पुष्टि हुई है। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की रिसर्च को माने तो भारत नेपाल बॉर्डर के रक्सोल एरिया यानी पूर्वी चंपारण में पुलिस ने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और विक्रम बराड़ गैंग के दो शार्प शूटरों की हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों शूटर्स हरियाणा और राजस्थान में लूट, डकैती और रंगदारी को लेकर कुख्यात थे। पूर्वी चंपारण जिले के SP कातेश कुमार मिश्रा ने इस बात की पुष्टि भी की है और गौर करने वाली बात यह है कि इन शूटर्स में से एक पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांग के चोटाहा गांव का रहने वाला शशांक पांडे और दूसरा पूर्वी चंपारण जिले के हरपुर गांव का रहने वाला त्रिभुवन शाह था। इसके पहले भी पुलिस ने शशांक को हथियार सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया था। ठीक इसी तरह 14 दिसंबर 2023 को भी एक मामला सामने आया था जिसमें 12 दिसंबर की रात करीब 8 बजे सिकटा बाजार निवासी मुन्ना प्रसाद के पुत्र सुमित कुमार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाते हुए 15 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज। नमस्कार।